नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। बिहार में हुए रिंटू सिंह हत्याकांड को लेकर पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। बीते 12 नवंबर को पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह उर्फ विश्वजीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के भतीजे और इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशीष सिंह उर्फ अठिया के घर पुलिस ने कुर्की जब्त की है। दरअसल एसपी दयाशंकर के निर्देश पर सरसी पुलिस ने आरोपी आशीष सिंह और सुदेश सिंह के घर की कुर्की जब्त की है। कोर्ट से कुर्की की मंजूरी ली गई है। इसके बाद आज बन मखनी एसडीपीओ कृपा शंकर आज़ाद के नेतृत्व में सरसी बन मखनी और जानकी नगर थाना पुलिस की सरसी गांव के आशीष कुमार के घर पहुंची। पहले पुलिस ने चारों तरफ से घर को घेर लिया और तीन घरों को तोड़कर कुर्की जब्त की कार्रवाई की। आपको बता दें, कुर्की के दौरान अठिया के घर से 40 सामानों की जब्त सूची बनाई गई है, जिसमें अलमारी, बर्तन, किवाड़ सहित कई चीज़ें जब्त की गई हैं। वहीं इसके तीनों घरों को भी तोड़ दिया गया है। 25 नवंबर को समय कम रहने के कारण दूसरे आरोपी सुदेश सिंह के घर की कुर्की नहीं हो पाई थी। बता दें कि बीते 12 नवंबर को सरसी थाना के पास में ही गोली मारकर पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की हत्या कर दी गई थी। गौरतलब है कि इसके बाद आक्रोशित लोगों ने वहां सड़क जाम कर थाना परिसर में आग लगा दी थी। तब एसपी दयाशंकर ने 48 घंटे के अंदर कार्रवाई की मोहलत मांगी थी। इस मामले में रिंटू सिंह की पत्नी वर्तमान जिला परिषद सदस्य अनुलिका सिंह ने मंत्री लेसी सिंह के भतीजे आशीष सिंह और अठिया और सुदेश सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। वहीं मंत्री पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया था। हालांकि मंत्री लेसी सिंह ने इस आरोप का खंडन करते हुए इसे बेबुनियाद बताया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।